नमस्कार, मैं हूँ सुमस्त्री विश्वास और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन एयर फ्राई। ये चिकन बहुत ही क्रिस्पी होता है बाहर से और अंदर से बहुत ही जूसी। चलिए देख लेते हैं इसको बनाने की विधि। यहाँ पर मैंने 4 लेग पीस लिया है जो कि करीबन 300 ग्राम के आसपास है। इसको अब मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, हल्दी 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, ये मसाला मैंने घर पर ही तैयार किया है, एक टीस्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया के बीज, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही, ये दही को मैंने घर पर ही तैयार किया है, 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम मिला दूंगी और आखिर में 1/4 टीस्पून लेमन जूस मिला के अच्छे से चिकन को मसाले के साथ कोट कर लूंगी। अब इस चिकन को अच्छे से ढक के 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने को छोड़ दूंगी। 4 घंटे हो चुके हैं, अब चिकन को एयर फ्रायर में रख दूंगी। इसको 40 मिनट तक पकाना है। पहले 20 मिनट को 180 डिग्री सेल्सियस पे पकाना है और आखिर के 20 मिनट 200 डिग्री सेल्सियस पे। अब जो बचे हुए मसाले हैं उनको भी चिकन में लगा दूंगी। अब इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। 20 मिनट हो चुके हैं, चलिए देख लेते हैं चिकन कैसा पका है। अब चिकन को बटर से थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे, फिर थोड़ा सा बटर लगा देंगे दोनों तरफ से। ये चिकन खाने का बहुत ही हेल्दियर ऑप्शन है, इसका टेस्ट बिल्कुल डीप फ्राई जैसा आता है। अभी चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल हमारा चिकन बन के तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बना है और इसको बनने के लिए 40 मिनट लगे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।